शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अकोला वासियों को इस तथ्य से परिचित किया गया था कि कोरोना वायरस की महामारी में मानवता जीवित है। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। यह अकोला में कच्ची मेमन जनजाति के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर साबित किया है। अकोला में एक अस्पताल में एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। चूंकि मृतक का कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए सवाल उठता है कि किसका अंतिम संस्कार किया जाए। अकोला कच्छी मन जनजाति ने पहल की। शव को कच्छी मेमन जनजाति से संबंधित एम्बुलेंस द्वारा सामान्य अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद शव को कच्छी मन जनजाति से संबंधित एम्बुलेंस द्वारा मोहता मिल कब्रिस्तान ले जाया गया। मुस्लिम युवाओं ने स्थान पर हिंदू संस्कार के अनुसार दाह संस्कार किया। विशेष रूप से वसीम खान समीर खान ने मुख्य भाषण दिया। यहां तक कि कोरोना में ऐसे प्रतिकूल स्थिति में इन मुस्लिम युवाओं ने मानवता का परिचय दिया। तनवीर खान, एजाज खान, शेखर इरफान, बाबा भाई, जावेद खान, शाहबाज खान, वसीम भाई, अकोला की कोरोना योद्धा टीम के समीर भाई ने मानवता और मानवता का परिचय दिया। अकोला नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी राजुरकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैतपुरा के उन युवाओं को बधाई जिन्होंने मानवता का परिचय दिया।